अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग। तो पहले लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ बैंकिंग। फर्स्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइल। इथाइल क्या है? एसीटिलीन को कहते हैं, C2H2 इसका फॉर्मूला होता है, इससे बनाना है। और इसको करना क्या है कि तीन मोलेक्यूल्स लेना है एसीटिलीन को, C2H2 को, और इसको पास करना है रेड हॉट आयरन ट्यूब पास करवाएंगे तो इसका पॉली यानी तीनों मिल जाएगा। और मिलने के बाद क्या बनाएगा? C6H6, जिसको क्या कहते हैं? बेंजीन। ये हुआ कैसे बच्चों? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एसीटिलीन है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए, ट्रिपल बॉन्ड होता है दो कार्बन के बीच में, क्योंकि अल्काइल का मेंबर है। इसके बाद यहां एक बनाइए, इसके बाद यहां बनाइए, जैसे बनाइए। अब इसमें होता क्या है कि इसका जो है एक पाई इलेक्ट्रॉन ये दोनों के बीच में चला जाता है, और इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके बीच में चला आता है। अब ये रहा था इसका पाई इलेक्ट्रॉन इसके बीच में चला जाता है, क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। अरे जो है रेड हॉट आयरन टिंग है, तब जाके बनाता है C6H6, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होगा, इसी को बच्चों हम लोग क्या कहेंगे? बैंडिंग। कितना आसान है बच्चों। दूसरा मेथड है डी कार्बोक्सीलेशन ऑफ एरोमैटिक एसिड, या बेंजोइक एसिड भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब कहता है इसके लिए बच्चों हम लोग क्या लेंगे? बेंजोइक एसिड को लेंगे इस प्रकार से C OH, और इसका रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। क्या चीज से करवाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां जो है बना लेगा आपका सोडियम साल्ट COOH, यानी सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड है, इसमें बच्चों निकला क्या क्या चीज? यहां देखिए COOH, बाकी H और OH, वाटर निकलेगा, इतना निकल जाएगा। अब इसको पुनः सोडा लाइम के साथ, यानी NaOH+CaO, इसको कहते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम तब जाकर के बच्चों बना लेता है C6H6+Na2CO3। डी कार्बोक्सीलेशन कैसे हुआ? क्योंकि यहां देखिए कार्बन जो है मेन रिंग से यानी मेन कंपाउंड से बाहर हो रहा। अब है बच्चों तीसरा रिडक्शन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे C6H5, और क्या होगा? OH है, इसका नाम है क्या? फिनॉल। इसको कुछ नहीं करना है, जिंक डस्ट के साथ इसको हीट कर देना है। जैसे हीट करेंगे तो कहता है
ए जो है बच्चों बन गया बेंजीन और प्लस जेड एन ऑक्सीजन, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यही है बच्चों प्रिपरेशन।